वेलकम फ्रेंड्स, ये कहावत तो आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरे और वही सुखी जो बचत करे। अक्सर ये SBI के पासबुक पर भी लिखा होता है। जी हाँ, ऐसा हम इसकी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज हम ऐसे ही कोई चीज़ पढ़ने वाले हैं। जीरो लेवल की मैथ क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम आज देखेंगे पैसे और रुपये का जोड़ घटाना। जिस प्रकार से एक कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती लेकिन खड़ी तो रह सकती है, उसी प्रकार की एक लाइफ जो है वो बगैर पैसे के नहीं चलती, रुक से जाती है। जी हाँ बिल्कुल, तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड और जानकारी वर्धक टॉपिक होगा। जैसे मानते हैं कि आपके बैंक में मिनिमम 5,000 रुपीज है, 5,000, ठीक है, और 5,000 रुपया तो है, बट इसमें जो है वो 32 पैसे भी हैं। तो ऐसे प्रिंट करवाएंगे जब पासबुक में, तो ऐसे आएगा 5,000 + 32 है ना। लेकिन अगर किसी वजह से, या फिर सिंपल में बात करें कि आपका जो 3% अक्सर जो है आपके बैंक के ब्याज देती हैं, है ना, जो बैलेंस रखते हैं 3% के आसपास देती हैं, तो इनमें देखिए अगर कुछ पैसा बढ़ता है तो कैसे जुड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि मिनिमम हम कोई भी मान लेते हैं एक अमाउंट कि 100 रुपए और 18 पैसे ब्याज बढ़ता है, ठीक है ना, हमने इसको अपने तरफ से माना हुआ है, तो जुड़ करके कितना रुपया होगा। ये अगर आपको जोड़ना पड़े तो कैसे जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, आप ऐसे सिंपल में जोड़ लेंगे बिना दशमलव की परवाह किए। 8 में 2 जुड़ेगा 10, हासिल 1, 3 1 4 और ये हासिल हो गया 5। दशमलव जहाँ था उसी पे लग जाएगा ये 0, 0, 1 और 1, यानी कि 5,100.50 पैसा हो जाएगा। समझ रहे ना, यानी रुपया रुपया में जुड़ता है और पैसा पैसा में जुड़ता है, समझ गए ना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, 5 रुपए तथा 18 पैसे का योग क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये जो पैसा है ना 18 पैसा, ये 5 रुपए में कतई नहीं जुड़ेगा कि ये जुड़ करके 23 रुपया हो जाए, 23 रुपया नहीं होगा, पैसा पैसे में जुड़ेगा और रुपया रुपया में जुड़ेगा। समझ रहे ना, अलग अलग सबका हिसाब होगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो दाल अलग और चावल अलग रखते हैं, है ना, बस उसी तरह का कुछ होगा। ध्यान दीजिएगा, लाइट थोड़ी सी कम हो गई होगी तो मैं आपको कुछ और भी बढ़ा देता हूँ लाइट, ठीक है ना। देखिए आगे, देखिए थोड़ा क्वालिटी चेंज कर ले, आपको बिल्कुल अच्छा दिखने लगेगा अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल भी आपके सामने आ चुका है, उसका जवाब दीजिए जल्दी से, क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है 5 रुपए 40 पैसे और 3 रुपया 12 पैसे का योग क्या होगा। इसमें तो देखिए कोई पैसा था ही नहीं, तो 5 रुपया 5 ही रुपया रहेगा, 18 पैसे उसमें जुड़ जाएगा, तो 5 रुपया 18 पैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें रुपया भी है पैसा भी है, तो रुपया रुपया में जुड़ेगा तो 8 रुपया हो जाएगा, पैसा पैसा में जुड़ेगा तो 40 10 50 52 पैसा, यानी कि 8 रुपया 52 पैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गए ना, रुपया रुपया में जुड़ेगा और पैसा पैसा में जुड़ेगा। इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कक्षा 4 की गणित, ये गिनतारा है ना, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में कि आपकी बिल्कुल बेसिक गणित चल रही है बिल्कुल शुरू से। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आएगा आपको, सब कुछ आसान है। देखिए अगला सवाल, 9 रुपए 27 पैसे + 13 पैसे जुड़ेगा तो कितना होगा। सिंपल सी बात है, 9 रुपया 27 पैसे में 13 पैसा जोड़ना है, रुपया कुछ भी नहीं जोड़ना, केवल पैसा जोड़ना है, तो 9 रुपया तो 9 ही रुपया रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 13 पैसा जुड़ेगा 27 पैसा में, जोड़ लीजिए 27 में 13 जोड़ेंगे तो 40 होगा, यानी 9 रुपए 40 पैसा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ गए ना, तो जल्दी से नोट कर लें, उम्मीद करते हैं रुपया पैसा आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आपको कुछ और भी सवाल दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगले 3 सवाल आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत जल्दी करें, ज्यादा देर ना करें। 7 रुपया 10 पैसे में 2 रुपया 9 पैसे जोड़ना है, कितना होगा।
जल्दी से कमेंट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 201 रुपया 55 पैसे में 2 रुपया 45 पैसे जोड़ना है और ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। देखिए, पहले में जो ऑप्शन है 9 रुपया 9 पैसा, दूसरा ऑप्शन है 9 रुपया 10 पैसा, तीसरा ऑप्शन है 9 रुपया और 12 पैसा, यानी कि जब हम 7 रुपया और 10 पैसे में 2 रुपया और 9 पैसा को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया है, हमने पीछे बता दिया। अगर आपने नहीं समझा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए। अगला सवाल, 201 रुपया 55 पैसे में जब हम जोड़ेंगे 2 रुपया 45 पैसे तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर पहला है 204 रुपया हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 204 रुपया 2 पैसे, तीसरा ऑप्शन 204 रुपया 9 पैसे, 9 पैसे है ये, 9 पैसा। तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर आए आपका ये पांचवा, छठवां में आ जाओ जल्दी से। 100 रुपया 5 पैसे इसमें जोड़ेंगे 18 रुपया 5 पैसे तो कितना होगा? 118 रुपया हो जाएगा, 118 रुपया 5 पैसे या 118 रुपया 10 पैसे, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत जल्दी करें, फटाफट करें, देर ना करें। हो गया, देखिए इसके अलावा हम आपको और भी कुछ सवाल दे देते हैं, उनको भी आप लोग बताइएगा, नहीं तो उन्हें हम अगली क्लास में आपको जरूर बताएंगे। देखिए ये क्लास गागर में सागर, अब रुपया में पैसे का जोड़ना नहीं रह गया, अब ये बहुत कुछ हो गया। इसमें आपको लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर का एक सवाल दिया गया है, एक सवाल ग्राम किलोग्राम का दिया गया है, एक सवाल मीटर और किलोमीटर सेंटीमीटर पर दिया गया है। मतलब तीनों तीन रास्ते के हैं और इनका प्रक्रिया एकदम सेम है। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये नहीं आएगा, अगर आपने देखा था तो जरूर आएगा। कमेंट करिए राइट आंसर, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 500 मिलीलीटर को जब जोड़ेंगे तो 5 लीटर 5 मिलीलीटर आएगा, दूसरा ऑप्शन है 5 लीटर 500 मिलीलीटर आएगा, तीसरा ऑप्शन है केवल 5 लीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 12 केजी और 200 ग्राम में जब हम 9 केजी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21 केजी आएगा, 21 केजी 200 ग्राम आएगा या फिर 23 केजी 100 ग्राम आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, नहीं आता तो कमेंट करिए, नहीं आता आपको दिया जाएगा लिंक इस क्लास की, जरूर देख लीजिएगा। 1800 मीटर 300 सेंटीमीटर में जब हम जोड़ेंगे 200 सेंटीमीटर तो कितना आएगा? पहला ऑप्शन 18 मीटर 500 सेंटीमीटर, दूसरा है 18 मीटर 900 सेंटीमीटर, तीसरा है 2400 मीटर, क्या आएगा जल्दी से बताएं। देखिए ये क्लास अगर आपने नहीं देखा तो जरूर बताइएगा। हर दिन ये क्लास करने के लिए, जीरो लेवल की मैथ की क्लास को देखने के लिए आपको मैसेज करना होगा, नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर JOIN ज्वाइन लिख करके क्लास ज्वाइन करें, गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी। मित्रों ये आपके सामने नंबर दिए गए हैं, नंबर को नोट कर ले, आप इन नंबरों पर फोन कॉल भी कर सकते हैं, ऊपर के नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से में मैसेज कर सकते हैं, इस पर फोन कॉल कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए खुद ब खुद आप pbrstudy.com पर अपने फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप से विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे तो आपको गणित के सिवा और भी सभी विषय मिलेंगे, जैसे बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी, अंग्रेजी और भी सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक पेज PBR स्टडी, या फिर फेसबुक पर सर्च करें PBR स्टडी, आपको मिलेगा, पेज को लाइक करना है, उसके बाद आप इन सारे वीडियोज को फेसबुक पर भी देख पाएंगे। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हर जगह फॉलो और लाइक करें, हम आपके साथ हैं, गणित सिखाने की पूरी गारंटी। आज इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा, फिर उपस्थित होंगे एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस क्लास को जाते जाते शेयर करके जाइएगा अपने मित्रों में और लाइक अवश्य करिएगा, जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके। याद रखें, प्रत्येक सुबह भोर में 5 बजे से जीरो लेवल की गणित की ऑनलाइन क्लास।